हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हमारे घर में चल रही हैं तैयारियाँ। वैसे तो तैयारियाँ सबके घर में चल रही होंगी क्योंकि आज है करवा चौथ, तो तैयारियाँ सबके घर में चल रही होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खोया जलाया हुआ है, यानी कि दूध जलाया हुआ है। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं तैयारियाँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी जो है 1:40 हो रहे हैं और अभी से तैयारियां करेंगे, तो फिर थोड़ी थोड़ी तैयारियां करेंगे, फिर समय से हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे क्या होता है, करवा पूजने के समय जो होता है, जब चांद देखने के समय, वो जल्दी जल्दी होता है, फिर तैयार हो ना पाओ इतनी जल्दी, और थोड़ी थोड़ी तैयारियां भी रह जाती हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें लगा चलो थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ हम लोग करते हैं और खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद में फ्री हो जाएंगे और फिर आराम से अपनी तैयारियां करेंगे। क्योंकि शाम के टाइम जो होता है ना, बहुत जल्दी होता है, और आज के दिन खाना पीना भी कुछ अलग टाइप में बनता है, यानी अलग टाइप में नहीं लेकिन काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं बनने के लिए, तो इसकी वजह से और भी लेट होता है। तो अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। पहले तो मैं बनाऊँगी रसगुल्ले, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पर हम लोग दो लोग हैं, ये देखिए। और अभी जो है हम लोग करते हैं तैयारियाँ, और मेहंदी मैंने अभी ही लगाई हुई है क्योंकि कल हमको टाइम नहीं मिला, बिल्कुल समय नहीं मिला, इसकी वजह से मैंने अभी लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ पहले प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रसाद के लिए पूड़ियाँ निकालूँगी घी में जो निकाली जाती हैं। तो थोड़ा सा मैंने घी डाला हुआ था, और इधर ये देख सकते हैं, इधर जो हमारी बहन है वो यहाँ पे फरे भर रही हैं। वैसे थोड़े फरे मैंने भरवा लिए हैं, और एक तरफ जो है पहले पूड़ियाँ मैं निकाल लूँगी, फिर उसी में पानी डाल के अच्छे से बॉईल करके इनको भी मैं पकाऊँगी। तो थोड़े से फरे मैंने बनवा लिए थे और फिर पूड़ियाँ भी बनानी थी। तो ये देखिए, प्रसाद की पूड़ियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं, और इधर जो है ये खाने के लिए पूड़ियाँ बन रही हैं, तो फिर ये तेल में बन रही हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं हमारे फरे भी बन के रेडी हो गए हैं। तो इतने जो है सारे फरे मैंने कट कर लिए हैं क्योंकि इनको मैं फ्राई करूँगी, और थोड़े से फरे मैंने रख दिए हैं सुबह के लिए क्योंकि जितने हम लोग खा पाएंगे उतने ही फ्राई करेंगे, इसमें भी बच जाएंगे अभी। और उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे ये अपना आ गई हैं ऊपर क्योंकि रात हो गई थी, वैसे 6:30 बज गए थे। तो हमें लगा चलो पहले करवा बनाने की तैयारियाँ कर लेते हैं, जहाँ पर हम लोग पूजेंगे। तो ये छत पर हैं, तो ये अकेले ही बनाने आई हुई हैं क्योंकि अभी मैं खाना ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे इनको आता है वैसे ही बना रही हैं, वैसे बच्चे होते हैं। इस बार जो है हमारी जो सिस्टर की जो लड़कियां हैं वो नहीं आई हुई हैं क्योंकि उनके पढ़ाई चल रही है, तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाई हैं। तो ये जैसे बना पा रही हूँ वैसे बना रही हैं, मैं यहाँ पे थी नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं करवा जो है यहाँ पर मैंने तैयारियाँ कर ली है, और थोड़ी बहुत रह गई हैं तो वो अपना ले कर आ जाएंगी छत पर। और खाने में मैंने सारी चीज़ें तो बना ली थी, जो रसगुल्ले मैंने आप लोगों से पहले बोले हुए थे वो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी हो गई थी और यहाँ पर चांद भी दिख गया था। तो कितनी भी जल्दी कर लो उस दिन, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ रह ही जाता है। इसकी वजह से खोया रखा हुआ था लेकिन हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया था और इधर चांद भी निकल आया था। तो इसकी वजह से हमें लगा कि चलो सारा खाना बना के और पूजा उजा करके फिर टाइम मिलेगा तब देखेंगे, अगर बना पाएंगे तो फिर बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर अगले दिन बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर चांद निकल आया है और हम लोग करवा पूज रहे हैं यहाँ पर। और हमारे लोगों के यहाँ छत पे पूजा ही जाता है, और वहाँ पे मैंने भगवान के लिए नीचे सबसे पहले भोग लगा दिया था, पूजा हो गई थी, फिर उसके बाद वे छत पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी जो है चांद निकला था लेकिन हम लोगों को नहीं पता चला, जैसे पता चला वैसे हम लोग पूजने लगे हैं, और इतना जल्दी कर लो, करने करने में समय निकल जाता है। तो ये देखिए आप लोग, चांद बिल्कुल साफ दिख रहा है, और इस बार इतनी बारिश हो रही थी तो लग ही नहीं रहा था कि करवा वाले दिन मौसम साफ होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम निकला हुआ था। तो हमारी जो है हमारी पूजा हो चुकी है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने व्रत तोड़ दिया है पूजा करके, और उसके बाद में हम लोग नीचे चल रहे हैं क्योंकि अभी जो है वैसे प्यास भी नहीं लगी थी इतनी, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है प्यास लग आई थी। तो फ्रेंड्स, पूजा हम लोगों की हो गई है और हम लोग नीचे आ गए हैं, और अभी जो है हम लोग खाएंगे खाना। और पहले जो है हमारे यहाँ जो है करवा चौथ में जो दाल के फरे बनते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, करवा वाले दिन वो ज़रूर बनते हैं और हर किसी के घर में बनते हैं हमारे लोगों के यहाँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग वही फरे, ये देखिए, ये तो अपना फरा
खा रही हैं आराम से। और अभी हमने खाया है, मैंने भी खाया है, थोड़ा सा मैंने भी खाया हुआ है। लेकिन ये देखिए, चलो इनका पूरा वीडियो बना लेते हैं। इनका पूरा वीडियो करें, हमारा पूरा वीडियो बनो। ये देखिए, इनका पूरा वीडियो बन रहा है, देख लीजिए आप लोग भी। तो अभी जो है, क्या खा रही हो? फरे, दाल वाले फरे ये खा रही हैं, क्योंकि इनके जो है इतनी भूख लगी थी, करवा पूजने के पहले से ही भूख लगाई थी। अभी जो है मैंने गाय का दूध नहीं निकाला, पहले गाय का दूध मैं निकालूंगी, क्योंकि वैसे भी समय हो गया है, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं खाना लगाई देती हूँ, और इसमें जो है कढ़ी चावल और पूड़ियाँ और दाल के फरे, ये देखिए मैंने फ्राई भी कर दिए थे। लेकिन एक कमी है, मैंने रसगुल्ले नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिला, इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई हूँ। तो सबके लिए यहाँ पे मैं खाना लगा देती हूँ। और जो फरे होते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं, और इनको जो है बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि उनका भी कहना रहता है कि ज़्यादा ही बनाना, क्योंकि फरे इतनी जल्दी नहीं खराब होते। खाना हमारा लग चुका है, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए कढ़ी चावल और दाल के फरे और पूड़ियाँ। तो मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है, तो आप लोग भी आ जाइए। और अभी हम लोग खाना खाने चल रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।